क्योंकि आपकी जदारत में अमानतदारी थी, दयालुदारी थी। कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इनकी जाती कारोबार की हो गई, जाती जब कारोबार करने लगे और इसका इन कुरैश के एक नहायत दौलतमंद शरीफ मिजाज नेक नफ्स खातून हजरत खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हो, जिन्होंने जिनको लोग उनकी पाकबाजी की वजह से उनको ताहिरा कहा करते थे, क्या कहा करते थे, हजरत खदीजा को ताहिरा, क्यों, क्योंकि हजरत खदीजा इतनी पाक दामन खातून थी, आपकी आपका मिजाज, आपके अखलाक, आपके अखबार, आप मक्के में एक रोकदार खातून थी, जादी तो थी, माल बहुत था हजरत खदीजा के पास, लेकिन इतनी ताहिरा थी कि बेपर्दा नहीं थी और बेबाक नहीं थी, बल्कि इतनी ताहिरा और इतने बाखलाक थी कि लोग ताहिरा, हाँ तो खदीजा था लेकिन उनकी पाक दामनी की वजह से लोग उनको ताहिरा, जिसको कहते हैं पाक दामन को कहते हैं, ताहिरा के लफ्ज से लोग याद करवाते थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास एक पैगाम भेजा कि आप मेरे साथ तिजारत का मामला तय कर लीजिए, क्या कर लीजिए, तिजारत का मामला तय कर लीजिए, मैं आपको दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा नफा कर दूँ। आपको पता है हजरत खदीजा आपके पास माल था, वो तिजारत के लिए लोगों को अपना माल बेचने के लिए यहाँ से लोगों के शाम जाता था तो दिया करती थी। हजरत खदीजा ने कहा कि मैं दूसरों को भी देती हूँ, तुमको भी दूंगी, लेकिन तुमको और ज़्यादा नफे के साथ। वो अपना माल ले जाने वालों के साथ इत्मीनान के साथ जाते थे, पूरी निगरानी करते थे और के मिलने से पहले रखने दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल में होता है। तो तारीख में यही लिखा गया है कि इनका नाम कोई सहाबा भी नहीं है, इनका नाम गुलाम फैसला था। ये रखने दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तिजारत में हजरत खदीजा का जो मुआवजा हुआ था उसमें साथ थे। तो हजरत फैसला कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर पर गया और अजीब गरीब हैरतअंगेज वाकयात को देखा कि भाई मैं तजारत के लिए सालों से बरसों से जाता हूँ, लेकिन जब आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ मैंने तजारत की, तजारत में एक अजीब अजीब कशिश मैंने देखी और दुगने नफे को देखा। नफा हम जाते तो एक तली तिका होता था, आलम की अमानतदारी और दयालुदारी को देखकर इतना मुनाफा होता था, लोग इतना एहतमाम करते थे कि मैं हैरान होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कामयाब तरीन तिजारत से वापस हो रहे थे, क्या हो रहे थे, वापस हो रहे थे, तो इस शान से मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सर मुबारक पर फरिश्ते धूप से हिफाजत के लिए अपने पैरों से साया किए हुए थे, क्या किए हुए थे, अपने पैरों से। जब आ रहे थे आपको होता है कि मक्का पूरा साफ चिक्के मैदान था, जब दूर से काफिला आता तो नजर आ जाता था कि वहां से काफिला आ रहा है और काफिले को देख लेते तो लोग उमड़ के खड़े हो जाते थे, तो क्या है, क्योंकि काफिले आते तो काफिले में सब कुछ तो चीजें बिकने के लिए आती थी, तो लोग इंतजार कर लेते थे कि यहाँ की चीज तो वहां भेजे, वहां से क्या आया, तो उसके इंतजार पे लोग रहते थे। खदीजा कहती है कि मैं भी इंतजार में थी काफिले के, तो सब अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हुई थी, दूर से इंतजार कर रहे थे, तो धूप को देखा कि छो पड़ रही है सब तरफ, तो जहां सब सल्लम के चेहरे पर देखा कि फरिश्ते पर बिछाकर सरकार दो जहां सब सल्लम का इस्तकबाल कर रहे हैं, कि करिश्मा हजरत खदीजा और उनकी सहेलियों ने खुद अपनी आंखों से देखा। तो फिर गुलाम मैसला ने आया, गुलाम मैसला जो हुजूर के साथ थे, वो आकर इनके सफर की सारी रुदात सुनी कि सफर में हम रहे थे फला जगह, अब इसकी तफसील में जाऊँ तो एक घंटा लग जाएगा, लेकिन आगे जाना है तो मैंने आज इसकी तफसील बहुत बड़ी है,
गुलाम मैसरा के साथ का जो सफर है वो सफर की बहुत मुतय है। तो मैंने आपके इख्तसार के साथ यही कि सफर के दौरान इतनी अजीब व गरीब चीजें उन्होंने मैसरा ने देखी। मैसरा ने कहा कि मैं तो मुतासिर होकर ही रहना, और मैंने हजरत खदीजा के सामने सुनाने के लिए बेचैन था, अम्मी जान मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें सुनाना चाहता हूँ कि आज तक मैंने बहुत तिजारत की लेकिन ऐसी तिजारत मैंने कभी नहीं की। तो इस हैरत अंगेज वाकया को सुनकर हजरत खदीजा मुतासिर हो गई और वो कहने लगी, तुम तो दौरान सफर देखते हो लेकिन जब तुम्हारा काफिला आ रहा था मैं टिक टिक की बात कर मेरी आंखों से मैं देख रही थी मेरा काफिला आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने काफिले को नजर डाली क्या पर तुम्हें क्या देखा पता है? मैंने देखा कि कुछ वैद सफेद किस्म के लोग हैं और जो सरकार जहां के इस्तकबाल में, और अरब की इतनी सख्त तरीन धूप का वक्त है कि धूप की इतनी तपिश इसकी इंतहा है, लेकिन सरकार तो जहां सल्लम के चेहरे पर ताल बराबर भी धूप के असरा में कुछ असर नजर नहीं आया, और मैं दूर से देख रही कि धूप तो है लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर धूप का निशान तक नहीं पड़ पा। तो बहरहाल इस सफर के दौरान जो गुलाम मैसरा थे वो भी मुतासर हुए, हजरत खदीजा तो मुतासर हुए मगर वह नहीं गई, और वो तो बहुत शरीफ और नफीस खातून थी। कहती है हजरत खदीजा के निकाह के लिए कई शुरफा कई उमरा बड़े बड़े लोगों ने दावत दी आपके निकाह की पेश की निकाह के लिए, लेकिन इनकार किया ना हमने करेंगे निकाह। सफर के दौरान जब आप उनके शाम और बुसरा शहर बुसरा पहुंचे तो आप आराम करने के लिए एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठे वहाँ मस्तूरा नामी एक राहिब रहता था। मस्तूरा नामी एक राहिब यानी उस जमाने में राहिबों की बड़ी महल छहल थी, राहिबों की एक बड़ी कुर्सी है। मेरे हाल इख्तसार ये कि राहिब एक ऐसा जानने वाला शख्स था जिस जमाने के हम कह सकते हैं। तो वो आप की खिदमत में आकर कहने लगा, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बाद से अब तक इस दरख्त के नीचे आपके अलावा कोई और नहीं बैठा क्योंकि इस दरख्त के नीचे अंबिया इकराम के अलावा कोई और नहीं बैठते। फिर इसने आप सल्लम को बहुत करीब से देखा, कहकर करीब से देखा और बहुत गौर से देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को देखकर कहने लगा, ये वही नबी है जो नबी आखिर उस्समा है, ये वही नबी है जो इमाम कुल है, ये वही नबी है जो सरताज औलिया है, इमाम कुल है, इमाम मुसल है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला उसके बाद में हजरत खदीजा का निकाह का पैगाम हुजूर के सामने पहुंचा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का मादात की तफसीलात हजरत खदीजा के चचाजात भाई वरका बिन नौफल जो ईसाई मजहब के बड़े आलिम और बुजुर्ग शख्सियत थे के इन में आई तो उन्होंने आप सल्लम के नबी होने की पेशन गोई की और खुशी का इजहार फरमाया हजरत खदीजा के चचाजात भाई थे और ईसाई मजहब के बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने कहा कि ये वही नबी है जिस नबी का हम सब इंतजार कर रहे थे, हुजूर के आने की आमद के इंतजार में कई लोग थे, सुबह उनके बहुत जमाना गुजर गया था नबूवत के कोई नबी के आए हुए, और सबको पता था कि एक ऐसे नबी आने वाले हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मान, जिससे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला के जहन और दिमाग पर आप सल्लम की अजमत का साया और ज्यादा सिक्का जम गया, और उन्होंने चाहा कि किसी तरह इस अजीम शख्सियत से बाखलाक और शरीफ हस्ती को अपने घर मुंतकिल कर लिया जाए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात बनने और हर तरह की खिदमत करने और सबसे पहले मुसलमान होने का शर्फ हासिल किया हजरत खदीजा ने। हजरत खदीजा दो शोहरों से बेवा के साथ निकाह करने के लिए हम आयब समझते हैं, रहमतुल्लाह अलैह उस आयब को मिटाने के लिए
पहला निकाह हुजूर का जो हुआ वो दो शोहर के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का निकाह हुआ अम्मी जान हजरत सैयदा कुबरा रजी अल्लाह तआला से। इसके बाद कुरैश के बड़े बड़े शुरफा निकाह का पैगाम भेजा था, लेकिन इनका दिल अब तीसरे निकाह के लिए आमादा नहीं था। किसका? हजरत खदीजा का। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इन औसाफ जमीला अखलाक हमीदा गैबी नुसरतों यानी मददों से मुतासिर होकर आपके मुंतकिल होकर खुद निकाह के लिए बेचैन होने लगी, इन्होंने इस दिली आरज़ू को आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में किसी पैगाम रिसा के जरिए पेश कर दिया। आपने अपने चचा से मशवरा के बाद इस रिश्ते को मंजूर फरमा लिया। खुशकिस्मत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू तालिब ने आप सल्लम का निकाह पढ़ाया और 500 दिरहम या 20 ऊंट मेहर मुकर्रर हुआ। 500 दिरहम और 20 ऊंट मेहर मुकर्रर हुआ। मेहर पर एक बात कह दो, आज मेहर हम सोचते हैं कि ऐसा कम रख दें कि आसानी से अदा हो जाए, 5,000-11,000 हम जिसकी कोई हैसियत नहीं है जमाने में कि भाई मेहर ऐसा होना चाहिए कि भाई देखिए हुजूर के जमाने में 500 दिरहम कितने कीमती थे और उस जमाने में गुर्बत थी, 20 ऊंट कितने कीमती ऊंट सरकार जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेहर मुकर्रर किया। इसलिए जब भी हम आज जहेज की बहुत बड़ी पेलिस रहती है, लेकिन जब मेहर की बात होती है तो लड़े होते रहते हैं, 5,000-11,000 लग गया, वही पैसा निकाह होते रहता औलम बैठे में रहते, हम आपस में बहस करते में रहते कि कम से कम कितना कम हो सके कर दें और उसका कर भी देते तो उसके बाद उधार सब चीज़ें नकद, लेकिन मेहर उधार कभी नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी हैसियत है उसके हिसाब से अच्छा महर मुकर्रर करना चाहिए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तीसरा निकाह था। हजरत खदीजा का कौन सा था? तीसरा निकाह था। सब जवान इरादा करें कि हम बेवा से निकाह करें, क्या करेंगे? बेवाओं से निकाह करेंगे। बेसहारा का सहारा बनने वाले नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत है, इसलिए सरकार तो जहाँ सल्लम के नक्शे कदम पर चले कोशिशें करें कि भाई हम बेवा को आज क्या कहते हैं तो उसको भाई राशन देते हैं, सब देते हैं। अरे भाई सब दे रहे हो, उसकी हकीकी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने निकाह का पैगाम भेज दो, निकाह करो। तो मेरे यहाँ कोशिशें कीजिए ऐसा कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बाकरा से करेंगे, तो ये मिजाज आज बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है कि लोग निकाह होने के बाद उसके शौहर के इंतकाल हो जाने कर जाने को ऐबदार समझते हैं और उसको एक ऐसी निकाह से देखते हैं कि बेवा पास लोग ऐसे रसूमात करते हैं, अल्लाह उनका रहम करे। नहीं थी हाथ में गया, उनके शोहर का इंतकाल हुआ, उसके साथ बेचारे के साथ इतने जुल्म के पार थोड़े मेरे आँख से आंसू बह गए। मैंने कहने लगा भाई उसके शोहर का इंतकाल हुआ है, तुम क्या इस पे गम का पार तोड़ रहे हो? पहले तो इसके शोहर का इंतकाल हो गया, अब तुम इसको ऐसे ऐबदार समझकर इसको इतना अजूर बनाकर ऐसा रख रहे हो जैसे कोई ऐबदार चीज है। तो लोगों ने कहा कि साहब ये मनहूस है, इसके कदम से हमारे शोहर का इंतकाल, हमारे बेटे का इंतकाल हो गया। अरे भाई जिंदगी का वक्त मुअय्यन है, जब जाना है जाते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जिंदगी ये अल्लाह की अमानत है, पैदा हुए हो तो मरने का वक्त भी तय है, यह फैसला अल्लाह का। हर फैसले पर अल्लाह के राजी रहना चाहिए, मैं हर फैसले पर राजी हूँ अल्लाह के। अल्लाह के फैसले के बाद कोई चीज नहीं हो सकती। क्या अल्लाह की तकलीफ में आप शरीक बनना चाहते? अल्लाह ताला जितनी जिंदगी देना चाहे दे चुके हैं, अल्लाह ताला हमारे जितनी जिंदगी देना है उससे न एक सेकंड आगे हो सकेगा न एक सेकंड पीछे हो सकेगा। इसलिए हम मायूस नहीं होना चाहिए। तकदीर में जितना था जितना रिज़्क था जितना अल्लाह पाक हया की थी उतनी रह गई। मेरे हाल हजरत खदीजा का निकाह हुआ और आप सल्लम की औलाद हुई, सिवाय हजरत इब्राहिम के सब हजरत खदीजा ही से पैदा हुआ।
हज़रत इब्राहिम के अलावा जितने रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की औलाद हुई वो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत खदीजा नबी करीम वसल्लम के दो लड़के और चार लड़कियाँ पैदा हुई और हज़रत कासिम तैयब ताहिर यानी इन्हीं के नाम बताए जाते हैं और इन्हीं में से आपकी कुनियत अबुल कासिम हुई। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़य्या, हज़रत उम्मे कुलथूम, हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अजमईन और एक साहिबज़ादे हज़रत इब्राहिम और हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा हुए। शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़दिवाजी ज़िंदगी के तकाज़ों और खानगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौमी इफ़ाही समाजी कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, बल्कि मक्के के लोग आप सल्लम की बुलंद किरदारी की वजह से ऐसे कामों में आप सल्लम की शिरकत को बाईस से सात समझते थे। क्या समझते थे? बाईस से सात समझते थे। मैंने कल भी वाक़ सुनाया था कि परमेश्वर का हिजरे अस्वद का लगाने का वाक़ कैसा है, तो लोगों ने क्या कहा कि भाई हम ऐसे शख्स को मक्के में दाखिल होते हुए देख लिए कि जिसके देखने के बाद हमें एतमाद हो गया कि ये शख्स हमारे हक का बहुत बेहतरीन फैसला करेगा, ये अमानतदार है, ये दयानतदार है, ये सादुकुल्अमीन है। कहा निकाह के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अपना सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। जितनी माल दौलत थी वो सारी दीन के लिए लुटा दी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हुज़ूर के निकाह के बाद में हुज़ूर की खिदमत में सब चीज़ें पेश कर दी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशी पहलू से भी किसी कदर बेफिक्री और लोगों की खिदमत और मदद करने में मजीद सहूलत हो गई थी। इस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब का बोझ हल्का करने के लिए इनके छोटे बेटे हजरत अली को अपनी किफालत में ले लिया, नीस एक और भतीजे को अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की किफालत में रखवा दिया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला एक कम उम्र गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा को बेटा बना रखा था। गर्ज ये कि शादी के बाद अल्लाह ताला ने घर की सहूलत और खिदमत गुजारी गुजार बीवी की रिफाकत और माशी तंगियों को दूर करने के लिए एक सबब ढूंढा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इस बंदों की जानिब से ज़्यादा मुतवज्जे हो गए। एक तरफ मस्कूरा बला रिफाई समाजी खिदमात में लग गए, दूसरी जानिब तन्हाइयों में रियाजत ये थे निकाह के बाद की जिंदगी। निकाह के बाद सरकार और भी इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे। खुद के अजीम के काबिल ये मसरूफ तरीन जिंदगी इस नौयत की थी कानदादा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के उन कलिमात से बासानी हो सकता है। उन्होंने पहली वही के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी और फिक्रमंदी को देखकर बतौर तसल्ली अर्ज किया, अल्लाह की कसम अल्लाह पाक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ ज़ाया नहीं होंगे। जब वही का नुज़ूल हुआ हज़रत खदीजा कहती हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासिर हुए, बहुत घबरा गए और बहुत हैरान हुए, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत तसल्ली दी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुज़ूर भी कहा करते थे मुझको हज़रत खदीजा से बहुत तसल्ली मिली हर तरीके की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल की मुकम्मल हो चुकी तो एक दिन इसी गार में एक फरिश्ते को देखा जिसके हाथ में रेशम का कपड़ा था। ये जिब्राईल इब्ने अमीन थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कपड़े पर लिखी इबारत को दिखाकर फरमा रहे थे इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देखकर पढ़ना नहीं जानता हूँ, कैसे पढ़ूँ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर और दबाया और पढ़ा, फरमाया पढ़ो
इस तरह तीन बार उन्होंने सरकार जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने मुबारक से लगाया, उसके बाद में जिब्राइल अमीन ने सूरह इकरा की चटाई आयते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ पढ़ सुनाए ये कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नक्श हो गए। हजरत जिब्राइल खामोश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ दिए। जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू नमाज की अमली मश्क करवाई, वजू और नमाज की अमली मश्क करवाई। इसके बाद इतना दी के आप अल्लाह के रसूल हैं, क्या है अल्लाह के रसूल हैं, मैं जिब्राइल हूँ। ये रमजान मुबारक की 27वीं तारीख दो शंबे का दिन था, 27वीं तारीख दो शंबे का दिन था, सुबह का सुहाना वक्त था। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक को सही कौन के मुताबिक 40 साल की थी। यहाँ तक की जिंदगी जो थी सरकार तो जहाँ सल्लम की एक तरह अलग तरीके थी, लेकिन यहाँ से जो जिंदगी है वो बिल्कुल अनोखी है। अब आप देखें कि आज तक कैसा था लोग, हाँ अस्सादिकुल अमीन और आपको अमानतदार दियानतदार और आपके रुफका, लेकिन इसके बाद में आगे आगे चलकर इस 10 साल जो सरकार जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने गुजारे हैं, इसको हम इंशाअल्लाह किसी और दिन सुनेंगे। बहुत लंबे वाक़ात है, मुख्तसर ये सुन लीजिए सरकार दो जहाँ सल्लम के इन 10 साल नबूवत के 10 साल इतने मसाइल के थे, इतने मसाइल के थे जिसका अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ऐसी जगह पर विराम फरमाए कि शुएब अबी तालिब के पहाड़ के पीछे रहे 3 साल जो गुजरेंगे इसी अस्ना के बहुत मशक्कतों में गुजरे, तारीफ के जो वाकयात हुए और जितने मसाइल पेश आए, जो आपके साथ आपके रफीक थे आपके दुश्मन बन गए मोहम्मद रसूलुल्लाह के वजह से। जब तक नबूवत नहीं गई थी सब साथ थे, सब आपके पास अमानतें रखते थे, सब आपको अपना वली मानते थे, लेकिन जिस दिन सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून की दावत दी, सब ने इनकार किया, इनका ही नहीं बल्कि धुनकारा सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तकलीफें पहुंचाई, ऐसे ठेस पहुंचाए कि हम और आपके सामने वो सुनने की ताकत भी नहीं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 10 साल जिंदगी को बड़ी तफसील के साथ बड़े इत्मीनान के साथ सुने, बहुत फायदा होगा। ये जिंदगी के सुनने से बड़े हौसले मिलेंगे, क्या मिलेंगे हौसले मिलेंगे, काम का मिजाज बनेगा, लोग छोटी छोटी बातों पर जो घुस जाते हैं जो फिर जाते हैं वो पता चलेगा कि भाई हमारे आपके आका के साथ ये हालत थी तो हमारा क्या होता। लोग थोड़ी थोड़ी बात पर बिखर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर खफा होकर सदियों नाराज हो जाते हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जैसी शख्सियत को सहना पड़ा सुनना पड़ा, हम और आप क्या होते। हजरत वकी हिजाज़ी साहब दावत दरकातम आलिया जो हरम के मुदब्बिर से बरसों से जिनको हरम की दर्स की सआदत मिली, उनके सामने किसी शख्स ने जाकर कहा हजरत मैं दीन का काम कर रहा हूँ और मुझे बातें सुनने पड़ रही है, मसाइल हो रहे हैं और मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह करो, क्या कहा अल्हम्दुलिल्लाह करो, क्योंकि दीन का काम करने के बाद अगर किसी को कुछ सुनने मिल जाए तो समझ जाओ ये काम कबूल हो रहा है। अगर कोई काम के करने के बाद लोग तुम्हारी तारीफ ही तारीफ के फूल मार गए तो समझ जाओ तुम्हारा काम कबूल नहीं हुआ, क्योंकि हम और आप सरकार जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे तो नहीं जा सकते, हुजूर थे दो जहाँ के सरदार थे, आप चाहते तो उहद का पहाड़ सोना बनाने के लिए अल्लाह ताला भेज दिए थे, आराम और आराइश हुजूर चाहते तो बहुत कुछ मिल जाती, लेकिन हुजूर नबी आखिर जमा सरकार जो जहाँ सल्लम को सहना पड़ा हम और आप क्या सहेंगे।
इसीलिए दोस्तों छोटे छोटे दीन के काम करने वाले लोग, छोटे छोटे काम करने वाले लोग बहुत जगह बेहौसलामंद होकर और अपनी सोच को ऐसा समझते हैं कि भाई हमारा काम हम किए थे लेकिन वो कबूल नहीं हुआ, मायूस हो जाते हैं। मायूस होने वालों के लिए ये 10 साल जिंदगी मायूसी को खत्म करने वाली बन सकती है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। ये जिंदगी सुनने और सुनाने का मकसद यही है कि हम किसी तरीके से सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नक्श कदम पर चल कर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने वाले बन जाएं। हम जिस नबी की उम्मत है, इस नबी की जिंदगी को सुनने के लिए तो हम तो एक घंटों में क्या हो सकता है, ये तो सालों लगाने की चीज़ है। एक छोटी से तस्करा ये तो सिर्फ समझो मजा चकाया जा रहा है आपको कि हुजूर की जिंदगी होती कैसी है, इसकी और डीप पर हमको समझने की जरूरत है। उसके बाद से वक्त बदलता है, हर चीज वक्त चाहती है, तो थोड़े से वक्त में हो नहीं सकता, इसके लिए मुसलसल वक्त होना चाहिए। आज हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियों के हासिल करने का शौक है लेकिन दीन के हुसूल इल्म का शौक नहीं है, दीन को समझने का हमारे सामने शौक नहीं है। क्योंकि हमने किसको मुकद्दम किया, दुनिया को मुकद्दम किया और दुनिया हमारे पास आ गई, हमने डिग्रियों को मुकद्दम किया, बड़ी बड़ी डिग्री आ गई। याद रखो दोस्तों अजीजों, ये सब चीजें सिर्फ कब्र तक रहेंगी, कब्र के बाद जो काम आने वाली चीज है वो यही चीज है। वो चीज सीखो जो आपको हशर के मैदान तक काम आए, वो चीज सीखो जो कब्र में काम आ जाए, वो चीज सीखो जो मरने के बाद काम आ जाए। दुनिया में तो सब चीजें काम आ जाती है, जाहिरी चीजें, लेकिन बाकी चीज क्या है, जब काम आ जाए, जब कोई चीज काम ना आवे, जब कोई एयर कंडीशन काम ना आए, जब कोई महल काम ना आए, उस दिन कब्र ठिकाना होगा, उस दिन वही कफन पहनाया जाएगा। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या गुलाम, सबको एक ही कफन में जाना है, सबको एक ही कब्र में जाना है। लेकिन दो कब्र है, वही कब्र में वही असर होगा, जिसने जैसी जिंदगी होगी वैसी उसकी कब्र होगी, जैसी जिंदगी वैसी मौत, जैसी मौत वैसी कब्र, जैसी कब्र वैसा असर। इसलिए उसके लिए पहले से हमारे जिंदगी को जगाएं, कुछ करने की कोशिश करें, दीन के लिए कुछ वक्त लगाएं, कुछ वक्त अपना अल्लाह के रास्ते में लगाएं, कुछ वक्त अपना कुरान सीखने में लगाएं, कुछ समझने में लगाएं, कुछ अल्लाह वालों की मजलिसों में लगाएं, महफिलों में बैठे कोशिशें करें। वक्त यूं चले जाएगा भाई, मोबाइल में कितना तबाह किया, घंटों चले जाएंगे फेसबुक पे, घंटों चले जाएंगे फेसबुक और ट्विटर पर, लेकिन हमको कुरान सीखने के लिए समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कोशिशें कीजिए, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे। रमजान में खत्म होना क्या है, 4 दिन के बाद रमजान खत्म, पहाड़ खत्म, बस फिर वही जिंदगी, वही वीरानी आ जाएगी, बस वीरानी वीरानी नजर आएगी, आबादी खत्म हो जाएगी। रमजान में हम जैसे शौक और गौर के साथ मस्जिदों की तरफ रुख किए हुए थे, खुदा करे कि रमजान के बाद भी ऐसे ही आबाद रहे। इसके लिए इंसान अहद करना पड़ता है, किसी से कुछ नहीं होता, सिर्फ दिल का कनेक्शन बदलना पड़ता है। सोने अभी भी काम हो रहा, अभी भी कारोबार हो रहा, अभी भी जरूरत हो रही, अभी भी जरूरत जिंदगी चल रही, दिल भी चलेगी, लेकिन ये जिंदगी में वो जिंदगी में बड़ा फर्क होगा। रमजान का सुकून था, लोग कहते थे कितना सुकून था, था। रमजान चले जा रहा, सुकून रमजान चले, सुकून आमाल से, आमाल आएंगे सुकून आएंगे, बदामा भी आएगी, मसाइल आएंगे जाएंगे, कहीं गलत गोली खाओगे, रिएक्शन नहीं होने की उम्मीद रखो, हो सकता है नहीं हो सकता, जैसा करोगे वैसा खाओगे। कीकर का दरख्त बो रहे हैं आम के इंतजार में, कीकर का दरख्त कांटों का दरख्त क्या करे, डाल दिए बीज डाले और इंतजार कर रहे हैं आम का दरख्त आएगा, सुकून आएगा, चैन आएगा, कैसा आएगा। कोताहियां होंगी, गफलतें होंगी, तो जिंदगी में वीरानी जरूर आएगी, आमान होंगे, खुशियाँ आएंगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लक الحمد كله ولك الثناء كله وإليك يرجعون الأمور كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم يا حنان يا منان يا ذو القوة المتين يا رحيم المساكين يا رب اكرم سمعنا وقوم
माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए, यानी अल्लाह बचा बचा रमजान की घड़ियां बची हुई है, अल्लाह इसकी सच्चे कदरदारी नसीब फरमा दीजिए, अल्लाह सच्ची पक्की कदरदारी नसीब फरमा दीजिए, अहद के साथ गुजरने वाला बना दीजिए, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने वाला बना दीजिए, ये रमजान को हमारी जिंदगी की जिंदगी वाला रमजान बना दीजिए, इस रमजान को हमारी हिदायत का रमजान बना दीजिए, अल्लाह हमें मांगना नहीं आता है, दिन मांगने अदा कर दीजिए, अल्लाह हमारी मंदिर में जितने लोग बैठे हुए हैं जिन दिन की जो हालतें हैं उनको पूरा फरमा दीजिए, जो मुसीबत है उसकी मुसीबत दूर कर दीजिए, जो मकरूज है उसके कर्ज की अदाई के लिए अल्लाह बना दीजिए, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए, यानी अल्लाह हमें मांगना नहीं आता है, दिन मांगने अदा कर दीजिए, हमने अपनी हैसियत से मांगा है, अल्लाह की आप निशान से दे दीजिए, तमाम गाँव को मैं अपने फजल और